नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज में, हूं आपके साथ कंचन सिंह राज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर सहायक उपकरणों के लिए दिव्यांगजनों के परीक्षण हेतु रविवार 19 मार्च को रामलीला मैदान घमापुर स्थित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में असेसमेंट शिविर आयोजन किया गया, जिसमें सभी दिव्यांगजन को सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु विशेषज्ञों की मेडिकल टीम द्वारा चिन्हित किया गया। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार सभी विधानसभाओं में यह शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसका समापन 21 मार्च को होगा। पूर्व विधानसभा में सैकड़ों लाभार्थियों ने शिविर का लाभ लिया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देश अनुसार कि दिव्यांगजनों का 100% सैचुरेशन होना है, तो इसलिए जिला जबलपुर में दिनांक 14 तारीख से 21 मार्च तक दिव्यांगजनों के लिए एडिप योजना के अंतर्गत चिन्हांकन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक हमारे विधानसभा वाइज चिन्हांकन शिविर आयोजित हुए। आज पूर्व विधानसभा का चिन्हांकन शिविर है, कल बरगी विधानसभा का चिन्हांकन शिविर रहेगा और परसों अपना कुंडम में सिहोरा विधानसभा के अंतर्गत चिन्हांकन शिविर आयोजित होकर समापन हो जाएगा उस दिन। आज अपना अप्रोक्सीमेट 150-200 लोग आ चुके हैं जिनका चिन्हांकन चल रहा है। अभी तक एक अप्रोक्सीमेट अभी इस टाइम तक 60 लोगों का चिन्हांकन हो चुका है और मेडिकल बोर्ड भी आई हुई, जिन लोगों के निःशक्तता प्रमाण पत्र नहीं बने हैं उनके निःशक्तता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड आदि भी जारी किए जा रहे हैं। जी, मेडिकल बोर्ड के लिए तो सारे विशेषज्ञ जो रहते हैं वो आए हुए हैं सर्टिफिकेशन के लिए, और एलिंको की टीम, सभी डिसेबिलिटी के लिए एलिंको की टीम भी आई है, जैसे कि हेयरिंग एड के लिए और जो बाकी चीज़ों के लिए ट्राई साइकिल, बैटरी वाली साइकिल, वॉकर, बैसाखी आदि, MSID किट आदि चीज़ों के लिए भी एलिंको की टीम आई हुई है। इसके अलावा नकली हाथ पैर जिनको रिक्वायरमेंट रहती है उसके लिए भी टीम आई हुई है। दवाइयाँ भी उपलब्ध? जी नहीं, दवाइयाँ नहीं, सिर्फ चिन्हांकन शिविर उपकरणों का।